श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, चंद्रमा हमारे दैनिक राशिफल में काफ़ी महत्व रखते हैं। 2.5 दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते हैं। उस हिसाब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है। चलिए देखते हैं ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में 9वें भाव में रहेंगे। दोस्तों, ये दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। इस समय में कर्म कम और लाभ ज्यादा के योग बन रहे हैं। इस समय में आपको भाग्य का अच्छा साथ मिल रहा है। इस समय में आपका हर काम भाग्य के भरोसे पूरा भी हो सकता है। इस दिन आप लकी रहोगे। अपने लक को आजमाने का यह आपके लिए सही समय रहेगा। इस दिन यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं। यात्राएं होने की पूरी संभावना है। छोटी मोटी कोई ना कोई यात्रा इस समय में हो सकती है। इस दिन आपके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आप कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए यादगार सिद्ध होगा। इस दिन धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। इस समय में विदेश सेटलमेंट के भी योग बने हुए हैं। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो इस दिन शुरुआत करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा मौका रहेगा। इस दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप जोश से भरे रहोगे। हर काम को समय पर पूरा करोगे। रुके हुए पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए ये सही समय है। इस समय में आपके परिवार की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय में आपको परिवार का सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा और दाम्पत्य सुख भी इस दिन आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर भाइयों के बीच कोई अनबन चल रही थी तो इस समय में वो अनबन समाप्त हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय हर तरह से अच्छा रहेगा। भाग्य और कर्म दोनों का सपोर्ट इस समय में स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। कम समय में आप ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वालों के लिए भी ये समय उत्तम है। इस दिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। आपके मन मुताबिक दिन व्यतीत करने का मौका आपको इस समय में मिल रहा है। उसका लाभ जरूर उठाएं और जीवन के हर पल का पूरा आनंद लें। यह समय स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दिन आप फिट रहोगे, पूरी तरीके से स्वस्थ रहोगे। मन में प्रसन्नता रहेगी और एनर्जी से भरपूर दिन रहेगा। किसी पुरानी स्वास्थ्य परेशानी से परेशान है तो उसका इलाज भी इस समय में मिल सकता है। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा की मजबूत स्थिति आपके मन को प्रसन्न रखेगी। इस समय में आप पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे। व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से इस दिन आपका बचाव होगा। हर प्रकार से दिन आपके लिए कामयाबी से भरा रहेगा। इस दिन पीले रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस दिन शुभ अंक रहेगा 3 अंक। दोस्तों, इस दिन सुबह टहलने जरूर जाएं। अपनी फिटनेस पर हमेशा ध्यान रखें। हमारी सोच पर हमें नियंत्रण रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो हम आज सोचते हैं वही हमारा कल भविष्य बनता है। इसलिए सिर्फ अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे। इस सुंदर जीवन को हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, इसलिए सुबह उठते ही मन में अपने माता पिता और भगवान को धन्यवाद जरूर कहे। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।